अगर आप भी ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए से हज़ारों रुपए कमाना चाहते हैं मगर आपको ये मालूम नहीं है कि ये काम कैसे किया जाता है, तो मैं इस वीडियो के अख्तिताम होने तक आपका ये मसला हल कर दूंगा। जुड़े रहिए, मैं बताता हूँ कैसे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इट विल कीप अस मोटिवेटेड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक्स इन एडवांस। There are three basic tools or softwares that you need to become a successful online tutor. First one is LMS, second one is video conferencing tool, and third one is whiteboard softwares. What is LMS? LMS learning management system को कहते हैं। LMS ऐसे softwares होते हैं जो मुख्तलिफ educational courses की administration, documentation, tracking और reporting के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी का पर्सनली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी LMS की कैटेगरी में आता है। और इसी तरह ऑनलाइन अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स के जिन पर मुख्तलिफ फ्री या पेड कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, जैसा कि कोर्सेरा या यूडेमी, भी LMS में शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस LMS सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, तो भाई इसका जवाब है हम फ्री LMS वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें गूगल क्लासरूम, एडमोडो, सोक्रेटिव प्रोजेक्ट, क्लास डूजो, स्टोरी बर्ड। इन तमाम सॉफ्टवेयर्स की अपनी एप्लीकेशंस और इम्पॉर्टेंस हैं, पर मैं यहाँ पर गूगल क्लासरूम को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो गूगल क्लासरूम एक फ्री वेब सर्विस है जिसके ज़रिए से लेक्चर्स क्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, असाइनमेंट देना और उसकी ग्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए अब गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल समझने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट डेमो पेश कर रहा हूँ। गूगल क्लासरूम को यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जस्ट गूगल ओपन करना है और गूगल की एप्स में ये आपको इजीली नज़र आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमने इस पर क्लिक किया है। गूगल क्लासरूम को साइन इन करने के लिए आपकी गूगल आईडी यूज़ होती है। अब आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आप इसके अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। हमने अपना वही अकाउंट यूज़ किया जो ऑन था। और इसके बाद सबसे जो काम हमारा स्टार्ट होता है वो एक क्लास जनरेट करके होता है। तो इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक ज्वाइन क्लास और एक क्रिएट क्लास। अगर हम टीचर हैं तो हमें क्रिएट करनी है। ज्वाइन क्लास का ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है जो हमारी ऑलरेडी बनाई हुई क्लास को ज्वाइन करते हैं। इस ज्वाइनिंग के जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको अभी हम जब क्लास क्रिएट कर लेंगे तो फिर मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्कूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इंडिविजुअल कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल हमें जो है इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। हम सबसे पहले तो क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने पेश करूँगा, पूरे इसके लिए एक डेमो पेश करता हूँ। तो जल्दी से देख लें कि भाई मैं क्लास का नाम जो है वो फिज़िक्स 5054 रख रहा हूँ, जो कि ओ लेवल्स का कोर्स नंबर है। सेक्शन कुछ भी रख लें, जैसे कि मुख्तलिफ स्कूलों में ब्लू, ग्रीन, पर्पल, इस कलर्स नेम पे सेक्शन होते हैं, मैं ब्लू सेक्शन कह देता हूँ। सब्जेक्ट इसका जो है वो अगेन इसका सब्जेक्ट फिज़िक्स है। आप इसको चेंज भी कर सकते थे, जैसे आपने क्लास नेम में जो है वो क्लास सीनियर सेकंड सीनियर टू कह दें, और फिज़िक्स में आप इसको सब्जेक्ट में फिज़िक्स 5054 कर दीजिए, कोर्स नंबर यहाँ लिख दें। रूम अलाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब देखें ये क्रिएट कर रहा है। अब ये हमारा क्रिएट हो गया है। तो बहरहाल इन चीज़ों को आप ख़ुद पढ़िएगा। यहाँ पर ऑप्शन है किसी भी थीम को, जैसे अब हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो फिज़िक्स है, तो हम इसमें
जाकर फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लास का कोड एक ऑलरेडी जनरेटेड कोड है। ये कोड आपको जैसे नज़र आ रहा है, आप इसको कॉपी करके जब स्टूडेंट्स को देंगे तो वो आपकी क्लास को किसी भी डिवाइस से ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि गूगल क्लासरूम की मोबाइल ऐप भी मौजूद है तो वो मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं विद दिस कोड। और स्टूडेंट्स आपको एक और तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका तरीका है यहाँ पर पीपल्स में। पीपल्स में जाके आप अगर अपने साथ किसी को टीचर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ज्वाइन करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप उसकी ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। जब वो उसे एक्सेप्ट करेगा तो वो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स की ईमेल एड्रेसेस भी, लेकिन यूजुअली ईमेल एड्रेस जो है वो ज़्यादा फीजिबल तरीका नहीं होता। होता यही है कि आप क्लास कोड को कॉपी करके व्हाट्सएप या टेक्स्ट SMS के ज़रिए से क्लास के स्टूडेंट्स को भेज देते हैं एंड देन वो ज्वाइन कर लेते हैं आपको। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो इसके अंदर सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में आप देखें, जैसे आपने ये क्लास डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप डाल सकते हैं। असल चीज़ ये देखें, जनरल में क्लास कोड है, इस क्लास कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, यानी कि बग़ैर क्लास कोड के भी आप इसको ज्वाइन कर सकेंगे। फिर इसके बाद स्ट्रीम के अंदर जो है ऑप्शंस हैं। स्ट्रीम वो पार्ट होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके इस क्लास को देखते हैं ना, तो इसके अंदर ऑप्शंस ये भी रखे जा सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट, और स्टूडेंट्स सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं, यानी पोस्ट की जो इजाज़त है वो सिर्फ आपके पास होगी। या तीसरा सबसे रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन ये है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स ना तो पोस्ट कर सकते हैं ना ही कमेंट। मैं ज़्यादातर कमेंट्स स्टूडेंट को करने की इजाज़त देता हूँ, क्योंकि पोस्ट करना टीचर्स का ही काम होता है। सो क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, इसके अंदर इसकी कंडेंस्ड फॉर्म शो हो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो है डिटेल्स खुद ही स्टूडेंट जो है वो जाकर उस क्लास वर्क पर क्लिक करके देख लेते हैं। इसके अलावा शो डिलीटेड आइटम्स, अगर कोई चीज़ हमने डिलीट की है तो वो कौन कौन देख सकता है, इसके ऑप्शंस भी आ जाते हैं। जैसे टीचर्स जो है वो कुछ डिलीट की हुई चीज़ को देख सकते हैं कि क्या चीज़ है जो पहले डिलीट कर चुके थे। मार्क्स कैलकुलेशन के अंदर ग्रेडिंग होती है, जैसे कि आपने कोई असाइनमेंट दिया तो उसकी ग्रेडिंग किस तरीके से होगी, ये हमने सेटिंग सेव कर दी। तो अब इसके अंदर आ जाएं स्ट्रीम में। तो भाई स्ट्रीम के अंदर ये वो पार्ट है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टूडेंट से। अब जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अब जैसे सीनियर टू ब्लू के स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं किसी सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को भी कह सकता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स को भी कह सकता हूँ। तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई अपना के ऑनलाइन रहें @7 सो दैट नो टॉपिक इज मिस्ड, कि इनका कोई टॉपिक मिस ना हो और ऑनलाइन रहें हम, बल्कि हम ऑनलाइन रहने की बात किस पे कर रहे हैं, जूम पे, क्योंकि हम जूम पे इनकी एक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही हम उसकी जो है वो जूम की एक जो लिंक है वो भी हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद हम पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो हमने एक स्ट्रीम कर दी जिसको स्टूडेंट्स देखेंगे और फिर उस पर कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे कि
ओके, या जो भी इश्यूज होंगे वो सब बता देंगे। इसी तरीके से ये स्ट्रीम के ऑप्शंस हैं, बार बार हम इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स के पास अथॉरिटी होती है पोस्ट करने की, स्टूडेंट्स उस पर सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं। हमने इसी सेटिंग को रखा हुआ है, चेंज भी किया जा सकता है, गलत अगर कुछ पोस्ट हो गया तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, यहाँ से एडिट और डिलीट किया जा सकता है। सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लास वर्क। क्लास वर्क जो है इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें जो भी आपने फोल्डर्स बनाए हैं, जिस क्लास को भी जनरेट किया है, वो सारी चीज़ें आपके गूगल ड्राइव पे सेव हो जाती हैं इस क्लास ड्राइव फोल्डर के अंदर। और इसी तरह गूगल कैलेंडर के ऊपर आप जो भी चीज़ें स्केड्यूल करते हैं वो सारी चीज़ें गूगल कैलेंडर पे नोट होती जाती हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, असाइनमेंट बनाने का, क्विज असाइनमेंट देने का, इसी तरीके से क्वेश्चंस आंसर्स। आप क्वेश्चन दे दिया आपने और स्टूडेंट्स को कहा कि भाई इसका आंसर दें, या आपने ख़ुद उसको आंसर कर दिया, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को। कुछ मटेरियल है जैसे कि आपने कुछ नोट्स बना के जो है वो रखे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। और आप इन तमाम चीज़ों को टॉपिक्स वाइज असाइन करेंगे। मैं फ़िलहाल जो है वो एक असाइनमेंट बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। अब ऐड या क्रिएट मटेरियल यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे होता है, ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं जो है एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मेरा टॉपिक जो है वो यूनिट कन्वर्जन है, और यूनिट कन्वर्जन का जो टॉपिक है इसकी जो असाइनमेंट है उसकी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई आपने यूज़ करना है टेबल दैट इज अटैच्ड विद असाइनमेंट, जो यूनिट कन्वर्जन का टेबल होता है वो मैं अटैच कर रहा हूँ असाइनमेंट के साथ, तो आपने उसको इस्तेमाल करना है। और फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप हेल्प ले सकते हैं जो मैंने यूट्यूब लिंक प्रोवाइड किया है उस वीडियो से, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो हूज लिंक इज़ प्रोवाइडेड। तो मैं जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैंने, इसके अलावा और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि कोई वर्कशीट्स दी हैं आपने उसके बारे में बता दें कि पहले आपने क्या चीज़ सॉल्व करनी है, बाद में आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जाके आप गूगल ड्राइव में अगर आपने कुछ फाइल्स रखी हुई हैं वो अटैच कर दें, कोई पीडीएफ है वो अटैच कर दें, लिंक है किसी क्विज़ का वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, फाइल्स जैसे कि मैं अभी जो है वो फाइल्स यहाँ पे अपलोड करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे। यहाँ पे ड्रैग फाइल का ऑप्शन भी है, सिलेक्ट आप अपनी डिवाइस से भी कर सकते हैं, तो मैं जो है वो ड्रैग करूँगा डायरेक्टली फाइल। जैसे मेरे यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे सेव किए हुए एक असाइनमेंट और ये कन्वर्जन टेबल, तो मैं इन दोनों को उठाकर ड्रैग करूँगा हमारी जगह पे, तो हमारे पास ये दोनों आ गए और इनको मैं अब अपलोड कर दूँगा। तो ये अपलोड हो गए हैं, तो इस तरह से अब ये स्टूडेंट्स को नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं इसमें साथ ही जो मैंने कहा था कि आपने यूट्यूब लिंक इस्तेमाल करना है, तो यूट्यूब लिंक वीडियो कौन सी होनी चाहिए उसका भी मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये क्या होगा कि इसी वीडियो को ढूंढ कर
यहाँ पर ऐड कर देगा, तो ये वीडियो भी हमने साथ ही ऐड कर दी, जिसको अब स्टूडेंट्स देखकर अपने इस असाइनमेंट को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा असाइनमेंट में कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसा कि ये किसके लिए है, यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है, इसकी पॉइंट्स ग्रेडिंग कितनी है भाई, अब ये 100 नंबर का है, 25 नंबर का है, 50 नंबर का है, लेट्स सपोज 50 नंबर कर दिया, या इसके कोई मार्क्स नहीं है तो अनमार्क्ड हो सकता है। इसकी कोई ड्यू डेट है, जैसे कि ड्यू डेट हमने डाल दी एक हफ्ते बाद की। इसी तरीके से टाइम कह रहे हैं, कुछ भी टाइम रख दें भाई, 12 दोपहर 12 बजे तक आपने देना है, तो आपने 12 PM लिख दिया या जो भी आपको, तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद आप इसको टॉपिक का, किसी टॉपिक का हिस्सा कह सकते हैं, जैसे यूनिट कन्वर्जन जो है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा टॉपिक है उसका पार्ट है, तो हमने एक ये टॉपिक भी बना दिया। इसके बाद रूब्रिक, रूब्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी जब आप किसी असाइनमेंट की ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप एक ऑटो रूब्रिक, यानी एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा सिस्टम बता देते हैं कि भाई आपकी जो मार्किंग है वो किस क्राइटेरिया पे होगी, यानी आपका जो असाइनमेंट है उसके नंबर आपको किस बेसिस पे मिलेंगे। तो ये कैसे होता है भाई, जैसे अब मैंने जो है वो पहली, जैसे यूनिट कन्वर्जन का मैंने असाइनमेंट दिया है, तो मैंने एक मार्क रखा है करेक्ट मेथड के लिए, और करेक्ट मेथड में मैंने जो मार्क्स रखे हैं वो, करेक्ट मेथड का मतलब ये होगा कि सिलेक्शन ऑफ करेक्ट कन्वर्जन फैक्टर एंड इट्स अप्रोप्रिएट यूज। मीन्स अगर किसी ने गलत तरीके से कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ किया होगा तो भी उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसका एक नंबर हमने अपॉइंट किया है। अब लेवल टाइटल्स क्या होते हैं कि भाई ये किस लेवल से, यानी किस क्वेश्चन नंबर से किस क्वेश्चन नंबर तक हमारा ये रूब्रिक रहेगा। इसके अलावा मैं एक और क्राइटेरिया ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऐड क्राइटेरियन है, तो मैंने एक और क्राइटेरिया ऐड कर दिया भाई कि करेक्ट आंसर, यानी कि जो फाइनल आंसर कन्वर्जन का बता रहे हैं वो करेक्ट कहाँ तक होगा। तो भाई लेट सपोज मैंने कहा कि करेक्ट आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हमारा आंसर इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सही होना चाहिए वरना नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को भी नज़र आ जाती हैं, शो हो जाती हैं, तो इस तरह से वो असाइनमेंट को सही कर पाते हैं। और ये चीज़ हमारे, अच्छा इसके पॉइंट्स नहीं हमने बताए थे, तो पॉइंट्स इसके 1 हो गए। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये असाइनमेंट को मैंने जो जो चीज़ें इसमें सिलेक्ट करनी थी, इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैं असाइनमेंट के तौर पे क्विज़ भी दे सकता हूँ कोई, जैसे ये क्रिएट है तो यहाँ पे फॉर्म्स में जाके क्विज़ भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको असाइन कर देते हैं, तो देखें कि ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एक असाइनमेंट है, इसको एडिट भी किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। अब गूगल कैलेंडर हमारा जो है वो हमें ये बताएगा कि इस आपने कोई टास्क दी हुई है जो कि जिसकी ड्यू डेट बताएगा, ये आपको रिमाइंड कराएगा कि कब आपने इस टास्क को मुकम्मल करना है।
जैसा ये 12 के बाद जो 2019 का जो टाइम है इस पे ये एक मार्क लगा हुआ है कि किस दिन आपने साइन किया इसका, और जिस दिन इसकी ड्यू डेट होगी उसका भी मार्क लगा हुआ होगा। इसके बाद यूनिट कन्वर्जन की मैंने एक आपको जैसे असाइनमेंट बना के दिखाया, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्विज असाइनमेंट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपने एक टाइटल दिया कोई भी क्विज है, जैसे कि आपने यूनिट्स, ऐसा यूनिट से रिलेटेड आपने जो है वो एक क्विज बना दिया, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी इसकी, भाई आपने बता देना है कि किस गलत आंसर नहीं करना है, या एमसीक्यूज हैं तो आपने उसको एमसीक्यूज बता देना है। अब मैं आपको इस ब्लैंक क्विज में जाके दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हमारे पास ये एक क्विज है, ब्लैंक क्विज बता देंगे इसमें कैसे आपने सिलेक्शन करनी है। जैसे कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर्स भी होते हैं, बहरहाल आपने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप अनटाइटल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है, जैसे मैं कह दूँ कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, और फिर मैं उसके आगे ऑप्शन रखूँ, तो भाई पहला ऑप्शन जो है वो है किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है अब यहाँ पे सजेस्टेड करेक्ट आंसर इन्होंने खुद दे दिया न्यूटन, तो एक आपने न्यूटन रख दिया, एक आपने इसमें अदर ऑप्शंस रखे हुए, तो आप इस तरीके से मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप चेक बॉक्सेस के क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप इसमें शॉर्ट आंसर्स डाल सकते हैं, पैराग्राफ डाल सकते हैं, ये एक काफ़ी ऑप्शंस देने वाला आपके पास जो है वो इंटरफेस है। तो आपके पास देखें ये खुद ही से शो कर रहा है कि इसका आंसर क्या है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये कितना, अब इसमें रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, सारी चीज़ें आपको बार बार पता लग रही होती हैं। अब इसको सेंड कर रहे हैं, आपने किसी को भेजना है, यानी आप इसका लिंक भी भेज सकते हैं, और चलें अब हम इसको कैंसिल करेंगे। तो ये मैंने आपको एक क्विज बनाने का तरीका समझाया। इसके बाद जब स्टूडेंट्स ऐसे क्विजेस को, असाइनमेंट्स को करते जाते हैं, तो मार्क्स के अंदर उसकी ग्रेडिंग और बाकी चीज़ें जो है वो आपको शो होने लग जाती हैं। इस तरीके से आप एक गूगल क्लासरूम का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने क्लास वर्क को और ऑनलाइन काम को, ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ही प्रॉपरली अरेंज और मैनेज कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो ऑनलाइन टीचिंग में है वो है वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल या कॉन्फ्रेंस कॉलिंग टूल, जिसके अंदर एक ही वक्त में आप बहुत सारे लोगों से वीडियो कॉलिंग करते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास इंटरनेट में, मगर मैं जूम को प्रेफर करता हूं। तो देखते हैं कि जूम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई हम सबसे पहले गूगल पे जाके zoom.us पे लॉगिन करेंगे, और
यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और ईमेल आईडी डालना होगी। जब आप वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आप साइन इन कर सकते हैं। जब आप यहाँ से साइन इन कर लेंगे तो आप यहाँ से वीडियो के होस्ट भी बन सकते हैं, यानी कि आप मीटिंग अनाउंस करेंगे और बाकी सब आपको ज्वाइन करेंगे, या फिर आप किसी की ऑलरेडी मौजूद मीटिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग के लिए साइन अप करना ज़रूरी नहीं है। एक और जो सबसे अहम बात है कि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, इसलिए मैं आपको साइन इन करके नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि Zoom की के प्लान्स और प्राइसिंग आपसे डिस्कस कर लूँ। देखिए, Zoom जो है वो बेसिक वर्जन इसका फ्री है, और एक ऐसे टीचर के लिए जिसने अभी स्टार्ट लिया है ऑनलाइन टीचिंग का, तो उसके लिए ये इनफ है, क्योंकि आप इसके अंदर 100 पार्टिसिपेंट्स एट अ टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल में आपके पास मौजूद हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 100 जो है वो कोई कम वैल्यू है। इसके बाद आप अगर 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो फिर आपकी टाइम लिमिट आ जाएगी 40 मिनट्स की। अगर ये पेड वर्जन हो, अगर आपने बाय किया हुआ है कोई प्लान, तो फिर आपके पास ये लिमिट ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ़ीचर्स कुछ हैं इसके अंदर, जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा जब मैं इसकी ऐप यूज़ कर रहा हूँगा। तो चलें अब हम इसकी ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर साइन इन करने के बाद आप इसको डायरेक्टली फ्रॉम वेबसाइट भी आप वीडियो कॉल करना और वीडियो कॉल को होस्ट करना भी कर सकते हैं, ज्वाइन मीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, जो कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर मोबाइल में एज एन एप्लीकेशन और विंडोज़ में आपके पास सॉफ्टवेयर के तौर पे मौजूद होता है। इसको डाउनलोड कहाँ से करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलें अब हम देखते हैं कि डाउनलोड करने के बाद इसकी शक्ल कैसी लगती है। ये हमारे पास आइकन है Zoom का, मैं इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये ऑन हो रहा है, इसके बाद इसमें देखें आपको इसका बहुत ही सिंपल सा यूज़ है, बहुत इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, नई मीटिंग स्टार्ट करूँ वीडियो के साथ या फिर बग़ैर वीडियो के स्टार्ट करूँ। मैं यूजुअली न्यू मीटिंग जो है वो बग़ैर वीडियो के ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम स्क्रीन शेयरिंग से होता है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। भाई देखें, यहाँ पर ऊपर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। एक होम है, होम स्क्रीन यही है जिसके ऊपर हमारे पास मज़ीद 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। न्यू मीटिंग हमने बनानी है या होस्ट करनी है, या फिर किसी की ऑलरेडी हुई भी मीटिंग जो स्टार्ट हुई हुई है वो हमने ज्वाइन करनी है, या स्केजुअल है, यानी हम अपने हिसाब से मीटिंग को स्केजुअल भी कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं कि इस टाइम पे हमारी मीटिंग होगी, या फिर शेयर स्क्रीन के ऑप्शन हैं। तो इसके अलावा चैट है, इसके अंदर मीटिंग के दौरान भी चल रही होती है, कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो वो आपसे चैट के थ्रू पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली माइक ऑन करके भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मीटिंग का आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी मीटिंग है जो अभी आपने करनी है, अपकमिंग है जो आपने स्केड्यूल की हुई थी। और इधर जो ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट्स का, यहाँ पर आप कुछ कॉन्टैक्ट्स को ऐड करने का तरीक़ेकार आपके पास दिया हुआ है। आप इसमें कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि इसमें मीटिंग कैसे की जाती है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और एक मीटिंग के लिए जो है वो हमारे पास मीटिंग का एक विंडो ओपन हो गई है। अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं, सबसे पहले ज्वाइन ऑडियो, तो इसमें कंप्यूटर ऑडियो से भी ज्वाइन किया जा सकता है, इसमें कुछ स्पीकर या माइक्रोफोन्स लगाएं तो उससे भी ज्वाइन किया जा सकता है। सबसे अहम चीज़ है स्क्रीन शेयरिंग, और फिर उसके बाद इनवाइट अदर। जब आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी, आप इसके दौरान भी लोगों को ईमेल्स के थ्रू, या फिर अगर आप इनवाइट लिंक को कॉपी कर लें, जैसे कॉपी इनविटेशन है, और फिर आप इसको व्हाट्सएप वेब या व्हाट्सएप
या किसी टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए से भेजना चाहते हैं तो भेज कर एक लिंक चले जाएगा, और फिर जब वो चले जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली वो जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा तो मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। इसी तरीके से शेयर स्क्रीन है, शेयर स्क्रीन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और बहुत ही कमाल के ऑप्शन हैं। जैसे कि एक तो है कि जिसके अंदर कंप्लीट स्क्रीन शेयर हो रही है, जो भी बात की जा रही होगी, जो मैं बोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर कर रहा हूँ सब नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा वाइट बोर्ड की शेयरिंग है। अब वाइट बोर्ड की शेयरिंग क्या होती है भाई, जैसे मैंने वाइट बोर्ड शेयरिंग ऑन की तो मेरे पास यहाँ पे सामने एक वाइट बोर्ड आ गया और उसके साथ ही कुछ ऑप्शंस आ गए जिसमें मैं लिखकर लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सुनाई भी दे रही होगी और साथ में जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं डिफरेंट। इसको मिटाना है अगर किसी चीज़ को और टेक्स्ट लिखना है डायरेक्टली, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जूम के अंदर, ये दी गई है स्पेसिफिक के एक्सप्लेनेशन बहुत आसान हो जाती है। अगर कोई मैथ्स पढ़ा रहा है या साइंस के कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है तो बहुत आसानी हो जाती है इससे। इसके बाद हम वापस शेयर स्क्रीन के ऑप्शंस की तरफ आते हैं। तो शेयर स्क्रीन में हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम कोई ख़ास विंडो को, जैसे मेरे पास नीचे ओपन हुई है तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ वही ओपन रहेगी। जैसे मैं अगर कोई पावर पॉइंट की फ़ाइल ओपन की होती तो वो भी यहाँ पे मैं मेरे पास ऑप्शन में आता और मैं उस पर क्लिक करता तो सिर्फ वो पावर पॉइंट की फ़ाइल ही शो हो रही होती सबको, और इसके अलावा बाकी मैं अगर उसको बिल फर्ज में मिनिमाइज भी कर देता तब भी वो नज़र आ रही होती। इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन हैं, म्यूज़िक एंड और कंप्यूटर साउंड ओनली। जैसे मैं कंप्यूटर में कोई वीडियो प्ले करके उनको उसका साउंड सुनाना चाह रहा हूँ और मैं अपना आवाज़ उसमें या जो इर्द गिर्द की डिस्टर्बेंस है उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो इससे ख़त्म हो जाएगी। पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, मैं किसी एक ख़ास पोर्शन को के ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी हिस्सा मेरा जो है वो कोई ऐसा है जो मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा कंटेंट फ्रॉम सेकंड कैमरा, कोई और एक्सटर्नल कैमरा मैंने ऐड किया हुआ है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा गूगल ड्राइव से अगर मैं कोई फ़ाइल वगैरह शेयर करना चाह रहा हूँ तो ये भी मेरे पास एक अच्छे ऑप्शन हैं। इसके बाद मैंने जैसे बताया कि मीटिंग के दौरान हम इनवाइट कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मज़ीद हैं जिनमें अगर माइक्रोफोन पे सिलेक्ट किया जाए तो भाई कौन सा किस किस्म का माइक्रोफोन में जो है हमने यूज़ करना है। इसके अलावा स्पीकर, माइक्रोफोन, लीव कंप्यूटर ऑडियो, कंप्यूटर ऑडियो से नहीं करना चाह रहे, ये सारे बहुत ईजी ऑप्शन हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आते जाएंगे। वीडियो कैमरा कौन सा यूज़ करना है भाई, एक तो लैपटॉप का बिल्ट इन होता है, इसके अलावा मुख्तलिफ वेबकैम्स आते हैं, अगर वो आएंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इसमें, वो है वर्चुअल बैकग्राउंड। जब आप अपनी वीडियो से ज्वाइन करते हैं तो वर्चुअल बैकग्राउंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है, आप इसको भी यूज़ कीजिएगा। तो और इसके अलावा सबसे अहम ऑप्शन इसके अंदर ये है कि रिकॉर्ड किया जा सकता है मीटिंग को, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड करके अपने पास एविडेंस के तौर पे भी रख सकते हैं, और आप इसको यूट्यूब वगैरह के प्लेटफॉर्म्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो भी कोई शख्स अगर मीटिंग मिस कर गया है तो वो बाद में उसको देख ले और उससे बेनिफिट हासिल कर ले। तो यहाँ से अब मीटिंग को मैंने एंड कर दिया। ये हमारे पास सारे ऑप्शंस थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। और तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ जो साइंस और मैथ्स टीचिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, वो है वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स। हमारे पास बहुत सारे वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन भी वर्किंग करते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली वाइट बोर्ड्स को शेयर कर देते हैं, जिसमें बिट पेपर का नाम है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं यूजुअली प्रीफर करता हूँ जूम कॉलिंग में, और मैं जूम कॉलिंग में स्क्रीन शेयर करने के बाद जो यूज़ करता हूँ वो है वन नोट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में के साथ जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, बिल्ट इन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और जैसा कि आपने देखा मैं इस वक्त भी इसके ऊपर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने लास्ट। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हैं इसमें, स्पेशली मैथ्स टीचिंग के वाले से। चलिए आपको दिखाता हूँ, जैसे एक नया पेज है, इस नए पेज के ऊपर जो है
मेरे पास होम में जैसे कि मैं कोई टाइटल डालना चाहूँ, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइटल डाल देता हूँ, और फिर मेरे पास नीचे ऑप्शंस हैं और मैं उनको यूज़ करते हुए कुछ भी ड्रॉ करूँ, कुछ भी लिखूँ, मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं। मैं कोई फ़ाइल यहाँ पे जैसे पिक्चर, किसी क्वेश्चन की पिक्चर उठा के रखनी है, कोई पीडीएफ डालनी है, टेबल इंसर्ट करना है, कोई ऑनलाइन वीडियो का लिंक दिखाना है, वो सारी चीज़ें इसमें साथ के साथ हो जाएंगी। हम इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको रिकॉर्ड करके भी शेयर किया जा सकता है ऑन द स्क्रीन, जैसा कि मेरी कुछ वीडियोज़ हैं जो इस नोटबुक पे बनी हुई हैं। इसके अलावा ड्रॉ में बड़े अच्छे ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे कि ड्रॉ करके फिर उसको मिटाने का ऑप्शन है, फिर मुख्तलिफ कलर्स के पेंसिल से हाईलाइट करने का ऑप्शन है, दैन शेप्स, मुख्तलिफ तरह के शेप्स हैं जो हमारे बड़े काम आते हैं। जैसे कि यूजुअली जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे इसमें बड़ी आसानी होती है कि मैं ये एक्स वाई ड्रॉ करके इस पर मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखाता हूँ। इसके अलावा ट्राइंगल से रिलेटेड मैथ्स में हमारे पास बहुत सारे सवालात आते हैं जिसमें बनाकर जब चीज़ शो की जाती है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसमें रूलर का बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि भाई जितने डिग्री पर रोटेट करके मुझे इसको रखना है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर इंक टू शेप का एक ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि जब मैं ड्रॉ करते हुए कोई चीज़ उस शेप के करीब करीब ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये ख़ुद ही उसको उस शक्ल में बना देता है। जैसे ये देखेंगे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और एक और बहुत अहम और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि मैं इसमें एक ग्राफ की फॉर्मेट भी दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो रूल लाइंस का ऑप्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने पेज को अपने हिसाब से, जैसे कि मैं अगर कुछ राइटिंग कर रहा हूँ तो मैं राइटिंग के हिसाब से इसको लिख देता हूँ। जैसे पॉइंट्स हैं तो मैंने ये एक पेज के ऊपर रूल लाइंस बना दी। इसके अलावा मैं इसको ग्रिड लाइंस में भी, जैसे कि एक ग्राफ का तरीक़ेकार होता है, इस शक्ल में भी इसको बना सकता हूँ। तो अगेन मैथ टीचिंग के लिए बहुत ही फीजिबल और एक जेन्युइनली बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में मौजूद होता है, तो इसको यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं। दैट्स माय रिकमेंडेशन। और